हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट से रिलेटेड। आप देखते होंगे जो भी आप ऑडियो डालें उसमें कॉपीराइट आ जाता है। आज ना आइए, एक साल के बाद आ जाए, छह महीना के बाद आ जाए, लेकिन उसमें कॉपीराइट आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप इस संभावनाओं से कैसे बच सकते हैं, कॉपीराइट से कैसे बच सकते हैं, चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। और हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम जैसे कि बात कर रहे थे म्यूजिक के बारे में। आप जैसे कि वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद आप वीडियो के म्यूजिक जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, उस बैकग्राउंड म्यूजिक को आप कहीं से डाउनलोड करके अपने वीडियो में लगा देते हैं। जिस तरह से हमारे इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमारा जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो स्लो म्यूजिक चल रहा है, कुछ इसी तरह का म्यूजिक आप भी लगा देते हैं। और लगाने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन होता है और इसके बाद आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है और उस म्यूजिक को फिर हटाना पड़ता है, वीडियो को हटाना पड़ता है, और फिर आपका वीडियो बहुत ही खराब हो जाता है या फिर उस वीडियो को डिलीट करना पड़ता है। तो इस तरह के वीडियो को जो डिलीट करना पड़ता है वो डिलीट आप करना नहीं पड़ेगा आपको। आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे उस ऑडियो क्वालिटी को, और ऑडियो को कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे जो कि कॉपीराइट फ्री होगा और बिल्कुल जेन्युइन ऑडियो होगा। तो आपको मैं सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, आप इस वीडियो को बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन एक चीज है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको सबसे पहले जाना है YouTube स्टूडियो पे, और वहाँ पे जो म्यूजिक दिया हुआ है YouTube लाइब्रेरी, उसके माध्यम से आप ऑडियो को डाउनलोड करेंगे। तब जाकर के आपके YouTube चैनल पे कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, म्यूजिक से रिलेटेड कॉपीराइट आपके चैनल पे कभी नहीं आएगा। तो आपको हम दिखाने वाले हैं आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अपने गैलरी में डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं उस ऑडियो को, और ऑडियो को डाउनलोड करने के बाद आप वीडियो एडिटिंग के समय आप आसानी से उस ऑडियो को लगा सकते हैं, जैसे कि हमने भी लगाया है। हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा है वो हमने YouTube लाइब्रेरी से ही डाउनलोड किया है, और वो आसानी से डाउनलोड हो जाता है। आप किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे, देखिए, आपको सबसे पहले जाना है YouTube पे। YouTube को आपको ओपन कर लेना है, और जैसे ही सभी लोग ओपन करते हैं, आप भी बार बार ओपन करते होंगे, उसी तरह से फिर से आपको एक बार ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप रोज जाते हैं कहाँ पे, YouTube स्टूडियो पे, और आपको फिर यहाँ पे जाना है YouTube स्टूडियो पे। जैसे कि आप अपना YouTube चैनल खोलते हैं और सबसे पहले आप वहीं पे जाते हैं YouTube स्टूडियो पे। जैसे ही आप YouTube स्टूडियो पे जाते हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। उस ऑप्शन में से आपको सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शन पे आना है, जो सबसे नीचे में दिखाई दे रहे हैं उस ऑप्शन पे आपको आना है। जैसे ही आप वहाँ पे आते हैं, आपके सामने एक ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पे एक म्यूजिक है, ऑडियो म्यूजिक, ठीक है। उस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत सारे म्यूजिक खुल करके आ जाते हैं। आप वहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं कि कौन से म्यूजिक हमको डाउनलोड करना है, कौन से म्यूजिक अच्छा है। जो अच्छा क्वालिटी का म्यूजिक होता है उसे ही आप डाउनलोड करें और अपने बैकग्राउंड में लगाएं, क्योंकि आप बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाएंगे तो आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप ब्लॉगिंग का वीडियो बनाते हैं या किसी चीज का प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं, अगर आप उसमें ऑडियो लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं उस ऑडियो को। और चलिए फिर देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप देख लेंगे प्ले करके, बार बार प्ले करके देख लीजिए उस ऑडियो को। उस ऑडियो को प्ले करने के बाद आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ये हमारा ऑडियो अच्छा है, तो आप उस ऑडियो को जो भी डाउनलोड का सैंपल दिखाई दे रहे हैं, उस डाउनलोड वाले सैंपल पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आपका ऑडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही डाउनलोड पूरा होता है, वो आपका जो भी यूट्यूब एप्लीकेशन पे नहीं रहता है, वो डायरेक्ट आपके फाइल में आ जाता है, आपके मोबाइल के फाइल में आ जाता है। और उसे आप आसानी से वीडियो को एडिट करते समय आप उस म्यूजिक का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल तरीके से आप आसानी से उस म्यूजिक को यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि ये YouTube के द्वारा ये दिया गया है YouTube लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी से अगर आप म्यूजिक का उपयोग करते हैं तो आपके चैनल पे कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय।